अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार लावनी गुजर एकता जिंदाबाद गुजर एकता भगवान की जय। हो गया साइंस कॉलेज यार, ठीक है दिख जाएंगे। हाँ इसलिए मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय ग्वालियर में गुजर समाज के लोगों पर की गई कार्रवाई वापस ले जी भाई खोल लेने अरे जल्दी बोलना वो सर को बुलाना। हाँ ये बताइए आप कौन से समाज में से हैं और आप यहाँ पहुँचे हैं ज्ञापन देने के लिए, किसके नाम ज्ञापन दिया और आपने क्या मांग की है और देखने में आया आप नारेबाजी भी कर रहे थे क्या कुछ जो आपका मेरी अड़ेगा भी हम गुर्जर समाज के लोग हैं और हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और गत 25 सितम्बर 2023 को ग्वालियर में गुर्जर समाज का महाकुंभ हुआ था जिसमें 60-70 हज़ार लोग एकत्रित हुए थे और सभा के पश्चात प्रतिनिधि मंडल के रूप में 40-50 लोग कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए कंपाउंड में अंदर गए थे। उनके साथ में ग्वालियर पुलिस ने मारपीट चालू कर दी, लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले दागे गए, इसलिए सारे लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोश के पश्चात हाथापाई हुई, दोनों तरफ से मारपीट हुई। लेकिन शासन और प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा केवल गुर्जरों के ऊपर बड़ी बड़ी धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए, जैसे धारा 307 और रासुका की कार्रवाई की गई, जिससे संपूर्ण मध्य प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग आक्रोशित है। इसीलिए हम आज यहां पर ज्ञापन देने आए। क्या क्या मांग है आपकी, अब जो ज्ञापन के माध्यम से क्या आपने मांगी? हमारी ये मांग है कि ग्वालियर में जो 360 धारा में और रासुका लगाकर कार्रवाई की गई वो वापस ली जाए और जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई रोकी जाए, ये हमारी मांग है। आपने ये भी कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो सड़कों पे भी उतरेंगे और आंदोलन भी होगा, क्या क्या कहना आप? बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार हर वर्ग को, हर समाज को, हर व्यक्ति को होता है। अगर हमारी मांग को नहीं सुना जाता है और हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है तो आक्रोशित होकर निश्चित रूप से सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो चक्का जाम करेंगे। आपका नाम और पद बताइए। मनोहर सिंह कराड़ा, जिला अध्यक्ष गुर्जर महासभा देवास।